इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का बयान, सीएम आवास में बातचीत में कष्ट हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा गया कि 3 से 4 सीट पर लड़े मनोज झा 3 से 4 पर लड़ने के लिए कहने से गला काटने जैसा महसूस हुआ। जेएमएम और कांग्रेस को कल 11 बजे तक का समय दिया गया है, सुबह 11 बजे तक सभी जानकारी मीडिया को दे देंगे। आरजेडी का 22 सीट पर मजबूत आधार, मनोज झा ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ कोई प्रतीक है तो आरजेडी, और वो है मनोज झा का बयान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव से जुड़े भी। आपको बता दें कि मनोज झा की तरफ से भी एक बार फिर से बयान देकर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आरजेडी संतुष्ट नहीं है सीटों के फॉर्मूले से, सीटों के बंटवारे से। आपको बता दें कि पहले से ही झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार इंडिया अलायंस में सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन बात अब भी नहीं बनी है। कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई, 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे, हम सृजन वाले लोग हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़ें, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है, कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे। आखिरी तक कोशिश, नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत बिछत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है। तो आप मनोज झा को सुन रहे थे और हमारे साथ संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। अविनाश, सवाल यही है कि आखिर सीएम आवास में आरजेडी को क्या कष्ट हुआ, क्योंकि मनोज झा ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो उस दौरान कष्ट हुआ जब सीटों को लेकर चर्चा की जा रही थी। क्या कष्ट हुआ है इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, कष्ट बहुत ही बड़ा है, और कष्ट ये है कि जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के दौरान जो नाम नहीं लूंगा, विधायक हैं, और उन्होंने बातचीत के दौरान इतनी बातें कह दी कि ये जो आप जो दावे कर रहे हैं और जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आज के डेट में आपका जनाधार नहीं है, आप सीमित हो चुके हैं, और ये सारी चीज, इन सारी चीज़ों से ही बात की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर आप कोई चर्चा कर रहे हों, और जहाँ शुरुआत 22 सीट से हो या 12 सीट से हो, और सामने वाले की तरफ से अगर 3 सीट कह दिया जाए या 4 सीट कह दिया जाए, तो फिर सामने से कोई कुछ कहने के लिए बचता नहीं है कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे। और यही राजद के साथ हुआ। राजद की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, उसके बाद जो इनके तरफ से जो हवाला दिया गया, उसको लेकर वो नाराज़ थे। और जो मनोज झा कह रहे हैं, जो कष्ट की बात कह रहे हैं, वो यही कष्ट है कि वो बोल भी नहीं सके और वो लोग सभी लोग उठकर बाहर चले आए, और उसके बाद से ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
देखिए यहाँ जो अभी बातें हो रही हैं उस चीज को समझने की जरूरत है। उन्होंने जरूर मनोज झा ने कहा कि कल दिन के 11 बजे तक मीडिया के जितने भी साथी हैं उनके मोबाइल पर वो नंबर चले जाएंगे, वो नाम चले जाएंगे जहाँ से आरजेडी लड़ने वाली है। लेकिन ये डेडलाइन जो है वो मीडिया के लिए नहीं है, बल्कि मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि ये अल्टीमेटम है जेएमएम और कांग्रेस को कि 11 बजे तक अगर उन्हें गठबंधन को बचाना है तो उनके पास समय 11 बजे तक का है, और 11 बजे से पहले अगर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है तो बेहतर है। क्योंकि बार बार मनोज झा ये कह रहे थे कि पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर थे, लालू यादव थे, और उसमें बातचीत के दौरान मात्र 7 सीटें मिली थी, फिर भी आरजेडी साथ रही। एक सीट को अगर आप छोड़ दें जो कि वो कह रहे हैं बरकट्ठा वाली सीट, कि वो नहीं चाहते थे उस सीट पर चुनाव लड़ना, जबरदस्ती उन्हें दिया गया था, बाकी सीट जो 6 सीटें हैं उसमें से वो एक जीते और 5 सीटों पर अच्छे वोट आए हैं, बहुत कम अंतर से आरजेडी चुनाव। ये दावा है कि जो हम दावे कर रहे हैं उसमें सच्चाई है और इस बात को समझने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ही सीएम बने और वो अविनाश इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को झारखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी का दर्द छलक गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का बयान सामने आया, सीएम आवास में बातचीत में कष्ट हुआ। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये बयान दिया गया है। आरजेडी को कहा गया 3 से 4 सीट पर लड़े। मनोज झा ने इस बात की भी चर्चा की और 3 से 4 सीट पर लड़ने के लिए कहना उन्हें गला काटने जैसा लगा, ये मनोज झा ने कहा है। जेएमएम और कांग्रेस को कल 11 बजे तक का समय दिया गया है, सुबह 11 बजे तक सभी जानकारी मीडिया को देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का 22 सीटों पर मजबूत आधार है, मनोज झा का ये कहना है। और बीजेपी के खिलाफ कोई प्रतीक है तो वो है आरजेडी। मनोज झा ने इसकी भी चर्चा की है। कुल मिलाकर मनोज झा का ये कहना है कि आरजेडी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ऐसे में 5 से 7 सीटें मिलने उन्हें गला काटने जैसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, उन्हें कष्ट हो रहा है।